हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत बैक नेक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूं। तो ये देखिए, इसकी लंबाई है 14 इंच और इसकी चौड़ाई है 10 इंच, और ये देखिए इसकी मुड्ढे की चौड़ाई 5.5 इंच और इसका आर्म होल है 6 इंच। अब देखिए, अब इसके गले का निशान लगा लेंगे जैसा गला हमको बनाना है। तो ये 2.5 इंच पर हम ऊपर निशान लगा लेते हैं और ये नीचे मतलब इसकी गहराई रहेगी, ये देखिए 10 इंच। तो 10 इंच पे नीचे लगा लिए निशान और अब इसके गले का शेप दे देंगे जैसा हमको गला बनाना है। तो गले का शेप अब इसके दे देंगे हम। तो ये देखिए, ये गले का शेप हम दे रहे हैं ऐसे। तो ये देखिए दोस्तों, अच्छे से निशान मतलब लगा ले रहे हैं, इसको अच्छे जनवा दे रहे हैं ताकि समझ में आए आप लोगों को। तो ये है गले का शेप और ये वाला गला बहुत ही खूबसूरत लगता है दोस्तों। तो ऐसे लगा देंगे तो नीचे वाला भाग दूसरे कलर का रहेगा जैसे कट लगाए हैं। देखिए, अब हम कटिंग कर देंगे इसकी अस्तर के कपड़े से। तो ये देखिए, हम इसको कट कर दिए और ऊपर वो गला भी कट कर दे रहे हैं, ये देखिए। तो ये हो गई कटिंग अस्तर की। अब खोल के दिखा दे रहे हैं, ये वाला भाग दूसरे कलर का रहेगा और वो वाला दूसरे कलर। तो ये देखिए, ये हम कपड़ा ले लिए हैं डबल फोल्ड करके, पिंक कलर में हमारा कपड़ा है, पट्टेदार वाला, लाइनिंग वाला। और तो ये देखिए, अब हम इसकी कटिंग कर ले रहे हैं इसी बिल्कुल डबल फोल्ड करके, उसी अस्तर रख देंगे उसी कपड़े पे बराबर करके बिल्कुल। तो हो जाएगी हमारी कटिंग बिल्कुल अच्छे से डबल फोल्ड में, अलग अलग करके कटिंग नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखिए, हो गई कटिंग इसकी नीचे वाले के। अब ये ले रहे हैं गोल्डन कलर का कपड़ा। तो अभी गोल्डन कलर कपड़े में इसको भी अच्छे से बराबर से बिठा के, डबल फोल्ड किया हुआ कपड़ा है ये। तो इसको भी देखिए कट कर लिए हैं, इसको भी कट कर लेंगे बिल्कुल बराबर से एकदम से। तो ये देखिए देखिए दोस्तों, हो गई हमारे ब्लाउज की और अस्तर की दोनों की कटिंग। तो ये हम खोल के अब लगाएंगे इसमें सिलाई। तो ये देखिए, बिल्कुल बराबर से अच्छे से इसको बैठा लेंगे, दोनों चीज़ बना लेंगे, कपड़ा और अस्तर इधर उधर ना होने पाए। तो अब हम इसमें लगाते हैं सिलाई दोनों चीज़ में, अस्तर में और कपड़े में। अच्छे से बनाते हुए सिलाई लगाते जाएंगे इसमें, बिल्कुल अच्छे से बैठा के दोस्तों। और जैसे जैसे सिलाई लगाते जाएंगे वैसे वैसे दोनों चीज़ को बनाते जाएंगे, कपड़े और अस्तर को, कि बराबर ताकि सिलाई लगे। तो ये देखिए दोस्तों, सिलाई हमारी लग गई। तो अब हम इसको देखिए कट कर देंगे धागे को इसको यहाँ से। अब देखिए यहाँ से कैसे करेंगे। तो अभी नीचे बगल बगल में सिलाई नहीं लगाए हैं क्योंकि इसको पलटेंगे, इस कपड़े को पलटेंगे तो सीधा हो जाएगा। तो अभी नीचे सिलाई लगा दे रहे हैं फटाफट से, देखिए कितना कैसे हम लगा, नीचे भी सिलाई लगा दिए। अब देखिए इसको, ये छोटे छोटे से जो गला वाला भाग है इसमें कट लगा देंगे ताकि ये पलटने में अच्छे से गला सीधा करें तो बैठ जाए, इधर उधर ना रहे, बढ़िया से गला बैठेगा इसमें कट लगा देंगे तो। तो ये देखिए, इसको हम ऐसे हाथ के सहायता से इसको हम पलट देंगे कपड़े को, तो बिल्कुल ये सीधा हो जाएगा। ये देखिए, पलट के अच्छे से बना दिए हैं इसको। अब इसको इसमें सिलाई लगा देंगे तो ये अच्छे से बैठ जाएगा कपड़ा, और गला भी खूब अच्छे से बैठ जाएगा बढ़िया से। तो ये देखिए, चारों तरफ हम लगाएंगे इसमें सिलाई, पूरे कपड़े में, पूरे गले में। और देखिए, तो इसको अच्छे से बनाते जाएंगे हाथ हाथ से ताकि बढ़िया से ये बैठता जाए ये। तो अब उसी के ऊपर से सिलाई लगाते जाएंगे, देखिए कितना अच्छे से हमारा ये बैठ गया है, पूरा गला भी और इधर भी। तो ये देखिए, चारों तरफ हम लगा देंगे इसमें सिलाई। ये देखिए, अब हम साइड में भी लगा दिए। अब नीचे तरफ भी जो है तो नीचे तरफ भी लगा देंगे तो खूब अच्छे से ये दोनों चीज़ बैठ जाएगा बना के अच्छे से दोस्तों। देखिए, नीचे तरफ भी हम लगा दे रहे हैं सिलाई। तो ये देखिए, साइड में एक तरफ रह गया तो वो भी लगा दिया साइड में। तो ये हमारा लग गई अच्छे से सिलाई सब चारों तरफ से। तो ये देखिए, ये गला हो गया नीचे वाले भाग का। अब ये बचा ऊपर वाला भाग। तो ये हैं चार टुकड़े में हैं क्योंकि ये देखिए, अब इसमें येलो कलर का है तो अब इसमें भी लगा देंगे सिलाई। एक अस्तर हो गया, एक कपड़ा होगा ब्लाउज का। तो
दो इधर हो गए, दो इधर हो गए, तो इसलिए चार दिख रहे हैं। तो अब इसमें भी छोटे छोटे से कट लगा देंगे गले साइड में, और फिर पलट देंगे गले साइड में लगा के कट्स। तो अब पलट के अब चारों तरफ से अच्छे से बनाते हुए हाथ से इसमें भी लगा देंगे सिलाई। ये देखिए वो वाला भाग गले का था, अब ये आर्म होल गया, होल हो गया, वो शोल्डर हो गया, और ये नीचे का भाग जहाँ से जुड़ेगा वो हो गया। तो ऐसे ही उसमें भी लगा देंगे, ये देखिए उसमें भी हमारा तैयार हो गया ये दोनों पार्ट। तो अब इसको ऐसे जोड़ देंगे, ये देखिए दोस्तों ऐसे ही जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा खूबसूरत सा ब्लाउज। दोस्तों ये दोस्तों ले लिए हम डोरी, पिंक कलर की डोरी है, जो नीचे का भाग है कपड़े का पिंक और कलर का, तो उसी कलर की हम लिए हैं डोरी। तो ये रेडीमेड वाली डोरी है, कपड़े की डोरी नहीं है। तो ये देखिए हम बनाएंगे इसी डोरी से डिजाइन। तो ये ले लिए हैं हम दो डोरी, लगभग लगभग 7-7 इंच की डोरियां हैं ये दोनों। तो ये देखो कैसे कितना अच्छे से डिजाइन बन गई है ये। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा सा कट कर देंगे, ज़्यादा बड़ी है तो अभी देखिए ये देखिए कितना सुंदर सी ये बीच वाली डिजाइन बनी है। तो ये देखिए हम सब डिजाइन बना लिए हैं, पूरी जितनी भी हैं लगेंगी उसमें। तो अब देखिए ये गले वाले भाग में, गले की तरफ इसको डिजाइन को ऐसे ऐसे रख के हम पूरे गले में सिलते जाएंगे दोनों तरफ। तो इसको ऐसे रख के दोस्तों अब हम ऐसे ऐसे डिजाइन देखिए एक दूसरे के सटा के ऐसे रख के सिलते जाएंगे एक तरफ डिजाइन का पूरा पूरा ऐसे ऐसे देखिए पूरा डिजाइन बना लेंगे गले में हम पूरा। ये देखिए हमारी एक तरफ बन गई। अब हम इसको इस तरफ से भी सिलाई लगा देंगे, नीचे तरफ से भी, जो कि ऊपर तरफ से तो लगा दिए, अब नीचे तरफ से भी हाथ से बना बना के अच्छे से बैठा के इस तरफ भी लगा देंगे इसमें सिलाई पूरी गले में। अच्छे से बनाना पड़ेगा इसको, अच्छे से इधर उधर जो हुई हुई हैं तो इसको अच्छे से बना बना के लगा देंगे पूरे में सिलाई दोस्तों। तो ये देखिए इसमें भी लग गई सिलाई, नीचे भी लग गई सिलाई, ये डिज़ाइन हमारा अच्छे से बन गया एक तरफ। तो अब जो ये डोरी बढ़ी हुई है इसको हम काट देंगे, डोरी को बढ़ी हुई डोरी दोनों तरफ से काट देंगे। तो ये देखिए डिज़ाइन कितना सुंदर सा पिंक और कलर में डिज़ाइन बन गया। अब हम इसमें लगा देंगे ब्लैक कलर का लेस लगाएंगे इसमें, दोनों तरफ लगा देंगे लेस ब्लैक कलर का। तो ये कपड़े का कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर है दोस्तों, पिंक और येलो में और ब्लैक कलर का लेस, बहुत ही सुंदर सा कॉम्बिनेशन है। अब इस तरफ भी लेस लगा देंगे हम, इस साइड में भी ऐसे ही ब्लैक कलर का। तो देखिए कितना सुंदर सा डिज़ाइन हमारा बन गया है एक तरफ, अभी दूसरी तरफ बनाना है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया, ये देखिए अब इसमें भी ऐसे ही बना लेंगे। तो ये देखिए दोनों तरफ का डिज़ाइन बन के तैयार हो गया, काफ़ी सुंदर सा डिज़ाइन बन के तैयार हो गया हमारा दोनों तरफ का, बिल्कुल न्यू डिज़ाइन। तो ये देखिए ऐसे रख के हम ऐसे अब इसको जोड़ देंगे कपड़े को, नीचे वाले भाग को और ऊपर वाले भाग को ऐसे जोड़ देंगे, अच्छे से बना के जोड़ेंगे बढ़िया से बैठा के, ताकि गले का शेप जो है वो इधर उधर ना हो, खूब अच्छा सा शेप रहे जैसा कि हम कटिंग किए हैं वैसा ही। तो ये देखिए जोड़ दिए हम गले को, और इसको भी ऐसे ही जोड़ देंगे खूब अच्छे से बैठा के उसमें। तो ये दोस्तों हमारा इधर भी जुड़ गया, इधर का पार्ट भी देखिए, ये देखिए गला हमारा बन के तैयार है, कितना सुंदर सा गला गले का डिज़ाइन बन गया है। ये देखिए ऊपर वाला दो कलर में काफ़ी खूबसूरत और न्यू डिज़ाइन है ये, बिल्कुल न्यू खूबसूरत सा। तो ये देखिए नीचे भी लगा देंगे वही लेस, जो लेस ऊपर लगाए हैं वही लेस नीचे भी लगा देंगे ब्लैक कलर का इसमें भी। तो पूरे गले में ऐसे ही बैठा के अच्छे से लगा देंगे लेस, देखिए तो काफ़ी खूबसूरत लगेगा ये नीचे भी। और लेस को अच्छे से बनाते जाएंगे ताकि खूब बढ़िया से लेस लगे। और ये देखिए दोस्तों लग गया नीचे भी लेस, खूब बढ़िया से लेस। ये देखिए डिज़ाइन हमारा बन के तैयार है। अब हम नीचे प्लेट डाल देंगे दोनों तरफ, तो नीचे डाल देते हैं प्लेट इसमें हम दोनों तरफ दोस्तों। ये देखिए एक तरफ हमारा प्लेट डल गया, अब दूसरी तरफ भी वही बढ़िया से नाप के डाल देंगे वो उतने पे। तो ये नीचे इस तरफ भी लगा दिए हम प्लेट। तो ये देखिए पूरा लुक देखिए डिज़ाइन का, कितना खूबसूरत सा लुक बन के तैयार है डिज़ाइन हमारा। गला कितना सुंदर सा डिज़ाइन लग रहा है गला भी। और दोस्तों अब हम बनाएंगे उसी कपड़े की लटकन।
तो ये देखिए ये पिंक वाला कपड़ा हम ले लिए हैं और ऐसे रख लिए हैं। अब हम बनाएंगे इसकी लटकन, कपड़े के ही फैब्रिक की ही लटकन लगाएंगे इसमें बना के, और ले लिए हैं डोरी तो इसको ऐसे रख लिए हैं डबल फोल्ड करके। तो ये देखिए अब हम बना रहे हैं लटकन, तो कपड़े की लटकन भी सुंदर लगती है, सिंपल सी लटकन ही हम बनाएंगे कपड़े की। ये देखिए एक तरफ की लटकन हमारी बन गई गोल्डन कलर, ओ पिंक कलर में। तो अब हम इसको पलट के अच्छे से, ये देखिए दोनों लटकन हमारी तैयार हो गई, तो हम लगा देंगे इसमें लटकन, डोरी और लटकन। तो ये देखिए डोरी और लटकन भी बन गया हमारा कपड़े का ही, उसी कलर का मैचिंग का, काफ़ी खूबसूरत सा। और अब हम यहाँ पे जो नीचे जहाँ पे गले का शेप है वहाँ पे नीचे लगाएंगे एक छोटा सा डिज़ाइन बना के कपड़े के फैब्रिक से ही गोल्डन कलर के। तो ये देखिए डिज़ाइन हम बना लिए हैं, कैसे बनाए हैं, ऐसे कपड़ा ले के चौकोर उसको ऐसे गोल गोल घुमा के दिखा होगा आप लोगों को, डिज़ाइन बन गया हमारा। तो अब हम इसको कट कर दे रहे हैं जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। तो ये देखिए दोस्तों डिज़ाइन हमारा बन गया है, अब हम इसमें लगा देंगे नीचे यहाँ पे एक, तो ये काफ़ी खूबसूरत सा लुक देगा डिज़ाइन लेस के नीचे। देखिए अभी इसको सुई धागे की सहायता से इसको बैठा देते हैं अच्छे से नीचे हम खूब बढ़िया से, ताकि ये इधर उधर ना हो, काफ़ी उसी में रह जाए, अच्छे से चिपक जाए। तो ये देखिए सुई डोरा की सहायता से इसको हम सिल दे रहे हैं। तो ये देखिए बन के डिज़ाइन हमारा तैयार है दोस्तों। तो ये देखिए कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन हमारा बन के तैयार है। आप लोग हमारा डिज़ाइन कैसा लगा दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम ऐसे भी डिज़ाइन फुल डिज़ाइन भी आप लोगों को दिखाते रहेंगे सिल के।